पहली बार जुकीनी लाए हैं और कंफ्यूज हो रहे कि उसकी सैलेड या सब्जी बनाने से पहले उसे किस तरह काटें ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रहे बरकरार। एक सिंपल सी ट्रिक जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आप सभी के किचन में है वो औजार, उससे आप काट सकते हैं मनचाहा सेब, वो भी मिनटों में। मैं दो कलर की जुकीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपना मनचाहा सेब काट सकते हैं वो भी मिनटों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन वाले काटने से, तो इसका अपर लोअर पहले काट लेती हूँ। हाँ, मैं इसी औजार के बारे में बात कर रही हूँ। इस तरह के ग्रेटर की हेल्प से आप मनचाहा सेब काट सकते हैं। तो देखिए आप, मैं थिन स्लाइसेस काट रही हूँ। जुकीनी का छिलका काफ़ी सॉफ्ट होता है तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसे इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये थिन स्लाइसेस में बहुत ही अच्छा कटा है, एक ही साइज़ का सभी तरफ से हुआ है। आप नाइफ के हेल्प से करते तो मोटा पतला होने का चांस होता, लेकिन ये इसकी हेल्प से मैंने काटा तो देख रहे हैं परफेक्ट कटा है ये। तो अब दूसरी शेप में इसे काटते हैं। तो यहाँ मैं येलो वाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, काटने के बाद अंदर से कुछ इस तरह का रहता है। इसे मैं राउंड शेप में काट रही हूँ। देखिए, पहले मैं नाइफ की हेल्प से काट कर दिखा रही हूँ। नाइफ से भी बहुत ही जल्दी कट जाता है यदि आप परफेक्ट तरीके से काट पा रहे हैं तो। अब मैं इस ग्रेटर की हेल्प से इसे राउंड शेप में काटूंगी, तो आपको डिफरेंट खुद ही पता चलेगा। लीजिए, ये कट गया कुछ ही सेकंड में और देख रहे हैं कितना थिन कटा है। फिर से इसी ग्रेटर का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन शेप दूसरा रहेगा। तो देखिए, अभी इस साइड से काटना शुरू करूंगी जिसे कद्दूकस करते हैं। तो देखिए, इस तरह से लंबे लंबे इसे काटूंगी तो बिल्कुल नूडल्स की तरह निकलेगा, लंबा पतला। इस तरह की शेप में काटने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कटा है बहुत कम टाइम में। इसे आप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं, फिर से दूसरे शेप में काट लेती हूँ। तो इसमें मैं नाइफ की हेल्प से ही काटूंगी। इस तरह की शेप में आप इसे सब्जी बना सकते हैं। तो इसे मैं डाइस की शेप में काटी हूँ और सेम मैं येलो वाला का भी इसी शेप में काटने वाली हूँ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा जुकीनी का कौन सा शेप आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और साथ ही कौन कौन सी डिश आपने इसकी खाई है वो भी बताइएगा। फिर से मैं नाइफ की हेल्प से इसे हाफ मून के शेप में काटूंगी। आप ग्रेटर की हेल्प से भी इसे काट सकते थे। जो बिगनर है, फर्स्ट टाइम जुकीनी लेकर आए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जुकीनी को किस तरह काटूँ, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं जुकीनी की काफ़ी सारी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की हूँ, लिंक मैं दे दूंगी।